तो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल DSA ब्लॉग्स में। तो मैं गया था पिछले हफ्ते लखुडियार जो कि अल्मोड़ा में ही है, जहां आपको प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग है जो वो देखने को मिलेंगे। अगर आप उत्तराखंड से नहीं हो तो मैं बता देता हूं, अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो तो अल्मोड़ा आओगे अगर तो यहां से जागेश्वर को जाओगे, रास्ते में पड़ता है पेड़साल। पेड़साल एक जगह का नाम है। पेड़साल में एक नदी है सुयाल नदी। सुयाल नदी के बगल में ही एक गुफा है जिसमें आदि मानवों द्वारा चित्र बनाए गए हैं। तो गाइज मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ लखुडिया। ये है लखुडियार। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा आदि मानव ने जो चित्र बनाया था उस टाइम पे, वो दिखाऊंगा। लेकिन अब जो पेंटिंग है धुंधली पड़ी है, क्योंकि जो बारिश होती है बारिश की वजह से वो पेंटिंग है हमेशा ख़राब होती जा रही हैं। और जहाँ पे बारिश नहीं गिरती है वहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेंगी पेंटिंगें। और पेंटिंगों में अगर आप देखोगे वहाँ पे तो जो क्रमबद्ध लोग हैं वो देखने को मिलेंगे, और जो पेंटिंगों का आकार होता था उस टाइम पर वो ज्यामितीय आकार के पेंटिंग देखने को मिलेंगे आपको। उस टाइम पे उकेरे गए हैं और अभी तक जो कि सुरक्षित है ये इतने दूर। और देखो यहाँ तक उस टाइम पे बनाए गए हैं, ये रेड रेड कलर के दिख रहे होंगे आपको निशान। तो पहले तो यहाँ पे पूरा चट्टान हुआ करता था, फिर नीचे से बनाया गया। जो ये रॉक पेंटिंग मिली हर जगह, भीमबेटका और लखुडियार यहाँ का हो गया, होशंगाबाद हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, और भी बहुत दुनिया में बहुत सारी गुफाएं मिली जहाँ पे ऐसी पेंटिंग रॉक पेंटिंग कहते हैं इसे, ये मिली। और आप देखोगे यहाँ तो ऊपर गुफा के ऊपर तक पेंटिंगें बनाई गई हैं जहाँ पे आप ऐसे सीढ़ियाँ लगा के पहुँच सकते हो, सीढ़ी लगा के भी नहीं पहुँच सकते हो, चट्टानों में बनाई गई है पेंटिंग। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे बंदर थे। और जो ये रॉक पेंटिंग में स्टडी कर रहे हैं ये एक भीमताल के आर्टिस्ट हैं पद्मश्री यशोधर मठपाल। उन्होंने 6000 से भी ज़्यादा रॉक पेंटिंग को कॉपी कर रखा है, बना रखा है। सोचो 6000 से भी ज़्यादा रॉक पेंटिंग को कॉपी कर रखा है। और उनका म्यूजियम भी है भीमताल में पेंटिंगों का, और जो उत्तराखंड के जितनी भी संस्कृति से रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं वो उनके पास उनके म्यूजियम में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप भीमताल जा रहे हो तो भीमताल उनके म्यूजियम में भी जाना। अभी मैं भी नहीं गया हूँ, मैं भी जाऊँगा। एक बात और करनी थी आप लोगों से, और वो बात ये है कि आजकल बहुत गर्मियों का मौसम चल रहा है, जो अपने घर के आसपास पानी का बाउल वगैरह रख सकते हैं आप लोग, गौर करना पक्षी आएंगे और पानी पियेंगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ कॉलेज में गौर करा, कॉलेज में कल को प्रैक्टिकल था, मैंने पेंटिंग करने के लिए पानी लेके बाहर पे रखा था, मैंने पानी उसके बाद फर्श पे गिराया था मैंने, फिर अंदर आ गया मैं अपना सामान लेके, फिर बाहर पे जाके देखा वहाँ पे एक छिपकली आके पानी पी रही, तब जाके मैं गया पानी और रख दिया वहाँ। तब जाके मैंने इन चीज़ों को गौर करा, इंसानियत इसी से बढ़ेगी आगे, आपको और हमको इन चीज़ों को बढ़ाने आगे, बस इतना ही। और अगर आप पॉल्यूशन को लेकर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा आप लोगों ने तो जाके देख सकते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, अपनी तरफ से कोशिश करी है मैंने। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी सीरियस को जा रहा था, मैंने रोक लिया अपने इमोशन को, फिर कभी बात करें। अगर आपको पसंद आएंगी मेरी बातें तो सीरियस टाइप की बातें भी करेंगे। तो इसके बाद वाला जो वीडियो है वो आएगा जागेश्वर का, इसके बाद हम जागेश्वर गए थे, फिर उसके बाद और भी वीडियो शूट करी है मैंने नैनीताल हल्द्वानी, वो भी वीडियो आएंगे धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि टाइम लग रहा है तुम्हारे भाई को अभी एडिटिंग करने में, और एग्ज़ाम भी चल रहे हैं मेरे। बस इतना ही था आज का वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग नए आए हो सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो और शेयर भी कर सकते हो, और लाइक करो वीडियो को, जो नीचे पर ग्रे कलर का बटन है उसे मारो और नीला करो। तो सेव नो मोर पॉल्यूशन, सेव नेचर, सेव फ्यूचर, ख्याल रखना अपना और अपनी फैमिली का। बाय।